हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मुजफ्फर, आप देख रहे हैं माय टेक्निकल यूट्यूब चैनल। आज हम देखने वाला है ये पैकेज यूनिट का एक कंप्लेंट आया हुआ। यह यूनिट जो है दिन में अच्छा चलता है, रात में इसका कूलिंग कम हो जाता है। इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकता है करके हम आज ये वीडियो पे देखने वाला है। आपको भी देख सकते हैं, अभी हम जाके वीडियो पे देखता हूँ इसके अंदर क्या फॉल्ट है करके हम चेक करने वाला है। ओके फ्रेंड्स, अभी आपको देख सकते हैं ये 10 टन का पैकेज यूनिट है, कोलेक्स कंपनी का है। इसके अंदर जो गैस है 407 का गैस लगता है। अभी इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है, ये दिन में अच्छा चलता है, चलता है मतलब दिन में अच्छा कूलिंग करता है, जो नाइट का टाइम पे बिल्कुल कूलिंग नहीं दे रहा है। अभी इसके अंदर आपको देख सकते हैं थर्मिस्टर का भी मैं पिक्चर दिया, थर्मिस्टर भी रूम टेम्परेचर 70 है, सेटिंग टेम्परेचर भी 70 है। अभी ये फरनाइट में है, आपको सेल्सियस में 21.5 तक मिल जाता है। गैस प्रेशर भी सही है इसके अंदर, 65 PS सही है। दूसरा प्रॉब्लम क्या हो सकता है, आपको फिल्टर चेक करना होगा। अभी ये फिल्टर देख सकते हैं, इसके अंदर बहुत कचरा रहेगा, फिल्टर पूरा बंद पड़ा तो अभी आपको ऐसी प्रॉब्लम हो जाता है। क्योंकि रात में चलता है, जो दिन में अच्छा से चलता है, कूलिंग भी करता है, रात में कूलिंग बिल्कुल नहीं करता है। अभी कैसा ऐसा हो जाता है, अभी हमारा रेफ्रिजरेंट जो है, जो बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा, रेफ्रिजरेंट भी ज़्यादा रहता है। बाहर का टेम्परेचर कम रहता है, रेफ्रिजरेंट जो गैस का प्रेशर है वो भी कम रहता है। अभी दिन का टाइम में 65 PS ही है सक्शन प्रेशर। अभी रात में यही कंडीशन में फिल्टर ब्लॉक यही कंडीशन में चलाया तो आपको जो सक्शन प्रेशर अच्छा ठंडा आपको देखने के लिए मिल जाता है। दूसरा प्रेशर भी आपको 45-50 का अंदर ही आपको मिल जाता है, क्योंकि प्रेशर कम हो जाता है, फिल्टर भी ब्रोक के हवा सही से नहीं आएगा, क्यों पूरा कोयल कूलिंग कोयल आइस पकड़ लेता है। आइस पकड़ने का बाद पूरा कोयल बंद हो जाता है, बंद होने का बाद बिल्कुल हवा नहीं नीचे जाता है। अभी आपको देख सकते हैं गैस कम होगा तो भी ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है। पहले आपको गैस चेक करना, फिल्टर चेक करना, कंडेंसर क्लीन करने का, उसके बाद आपको गैस कम में गैस आपको मार सकता है, उसके अंदर फिल्टर ब्लॉक है, फिल्टर आपको सफाई कर सकता है। अभी मैं यही मशीन का कुछ गैस का काम नहीं है, फिल्टर ही साफ किया, अभी मशीन सही से चल रहा है। अभी और एक प्रॉब्लम आ सकता है, दिन में चलता नहीं है ऐसी, बिल्कुल कूलिंग नहीं करता है, रात में अच्छा कूलिंग करता है, उसमें क्या प्रॉब्लम हो सकता है, फॉल्ट। उसमें फॉल्ट क्या है आपको देखने के लिए, गैस ज़्यादा है, क्योंकि दिन का टाइम में गैस ज़्यादा हो जाता है, आपका जो मशीन है वो कूलिंग नहीं करेगा। अभी रात का टाइम पे बाहर का टेम्परेचर कम है, गैस भी कम हो जाता है, कूलिंग सही से बराबर कर जाता है। अभी ऐसी आपको कंप्लेन आया तो उसमें गैस ज़्यादा है आपको देखने के लिए मिल जाता है। यही सेम कंप्लेन आपको स्प्रिट एसी में भी देखने के लिए मिल जाता है, क्योंकि स्प्रिट एसी भी एक कंप्लेन मिल जाता है, दिन में अच्छा चलता है, रात में नहीं चलता है, आपको गैस चेक करना होगा, फिल्टर चेक करना होगा। सेम स्प्रिट एसी पैकेज यूनिट सेम आपको कंप्लेन ज़्यादा देखने के लिए मिल जाता है। अभी आपको देख सकते हैं फिल्टर में ही अच्छा से साफ़ कर दिया, साफ़ करके अभी मैं लगा रहा हूँ। अभी लगाने के बाद मैं कुछ गैस भी चार्ज नहीं किया, लेकिन उसके बाद ये कंप्लेन मेरे पास नहीं आया, एसी भी अच्छा कूलिंग कर रहा है। अभी ये मैं क्यों बता रहा है, क्योंकि जो नया टेक्नीशियन लोग को मालूम नहीं रहता है, इसके लिए मैं ओलग के लिए छोटा एक वीडियो बनाया, आपको देख सकते हैं। अभी आप लोग को ये स्प्रिट एसी में भी देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है। इसमें मैं अभी बताया था गैस ज़्यादा रहेगा, रात का टाइम पे कूलिंग अच्छा करेगा, दिन का टाइम पे कूलिंग कम करता है, तभी आपको गैस ज़्यादा है। दिन का टाइम में
कूलिंग अच्छा करता है, रात में कूलिंग नहीं करता है, तो आपको गैस चेक करना होगा, फिल्टर चेक करना होगा, कूलिंग कोइल भी चेक करना होगा, ब्लॉक है क्या करके। अभी आप लोग को इतना ही बताने का था। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही है। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। थैंक यू फ्रेंड्स।